अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान श्री गणेश का विसर्जन किस प्रकार से करेंगे? भगवान श्री गणेश हमारे घर में पिछले 10 दिनों से विराजमान है और भगवान श्री गणेश की हम पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, हर रोज उन्हें मोदक चढ़ा रहे हैं, उन्हें लड्डू का भोग लग रहा है और उनकी पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भगवान श्री गणेश की इस प्रकार से सेवा करता है, भगवान श्री गणेश उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी को गणेश भगवान की इस प्रकार से सेवा कर रहे होंगे अपने घर में। और अब आ रहा है विसर्जन का समय, तो विसर्जन किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, इसके ऊपर पूरा वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके। अगर आपने इस साल गणेश जी नहीं बिठाए हैं और अगले साल बिठाने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चाहे आपने गणेश जी बिठाए हैं या गणेश जी नहीं बिठाए हैं, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पता नहीं आपको ये बातें कब काम आ जाए, किस जगह काम आ जाए। या आपने नहीं बिठाया है तो आप किसी को बता के उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि अगर आपने गणेश जी नहीं बिठाया है तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, ऐसे मन में विचार ना लाए और पूरी बातों को ध्यान से सुने कि गणेश विसर्जन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। चलिए वीडियो में बताई गई बातों को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताइए। अगर वो गणेश पूजा कर रहे हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं, तो आप उन्हें ये सारी बातें बता सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन आए बप्पा अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर वापस लौट जाते हैं। वैसे तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन गणेश चतुर्थी के तीसरे, चौथे, सातवें दिन भी किया जाता है, लेकिन 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन का सबसे अधिक महत्व माना गया है। विघ्नहर्ता विनायक की प्रतिमा को उठाने से पहले उनकी 10 दिनों तक की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अब जानते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने का सबसे शुभ मुहूर्त और विसर्जन विधि क्या है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, आप सभी को सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक की जाने वाली जो आरती पूजन अर्चन जो आपने की है उसको करना चाहिए। विशेष प्रसाद का भोग भी लगाना चाहिए आपको। पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश जी की आरती करना ना भूलें और उनका पाठ भी जरूर करें। अब आपको एक स्वच्छ पाटा लेना है, उसे गंगा जल या गोमूत्र से पवित्र करना है। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, उस पर अक्षत रखना है। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र आपको बिछा देना है पाटा के ऊपर। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर देना है। साथ में पाटों के चारों कोने पर 4 सुपाड़ियों को बिल्कुल जरूर रखें। फिर घर के किसी पुरुष की ओर से बप्पा की मूर्ति को उठानी होती है और उसे ही बप्पा की मूर्ति को पानी तक लेकर जाना होता है। हम भगवान श्री गणेश जी को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाना चाहिए और इस पाटे पर विराजित करना चाहिए। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखना चाहिए। ध्यान रहे, जब गणेश जी को आप जिस स्थान से उठाएंगे उससे पहले हल्का सा गणेश जी को हल्का सा हिला देना है। गणेश जी को हम हिलाते इसलिए हैं ताकि इससे ये पता चलता है कि गणेश जी का अब जाने का समय आ गया है। उसके बाद आपको एक लकड़ी लेनी है, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर रखना है। यथाशक्ति दक्षिणा यानी कि सिक्के इत्यादि आपको रख सकते हैं। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसे ही भगवान श्री गणेश के विदा के समय वो तैयारी करनी चाहिए। जो लकड़ी जो लेंगे आप, लकड़ी थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। जो पोटली बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ को, तो बना के उस लकड़ी में पोटलियों को बांध देना है ताकि ये लगे कि भगवान श्री गणेश जब विदा हो रहे हैं, हमारे घर से जा रहे हैं, तो उनके साथ हम खाने पीने की चीज़ रख दे रहे हैं ताकि उन्हें रास्ते में किसी भी प्रकार की भूख लगे तो उस पोटली से वो उस चीज़ का भोग लगा ले, यानी उसको खा ले। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन के पूर्व कपूर की आरती आपको फिर से करनी चाहिए, यानी कपूर की आरती करें, भगवान श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहा आशीर्वाद मांग लें।
इन 10 दिनों में अगर आपसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो भगवान श्री गणेश से उनसे क्षमा मांगे, उनसे प्रार्थना करें। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ का जयकारा आपको ज़रूर लगाना चाहिए और गणपति जी को विसर्जन करते समय कहना चाहिए, हम आपको विदा कर रहे हैं परंतु आप दोबारा जल्दी आइएगा, दोबारा लौट कर आइएगा। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को आपको फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री जो आपने उनके साथ रखा है धीरे धीरे करके आपको उनका विसर्जन करना चाहिए, उन्हें बहाना चाहिए। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे, आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो उन्हें घर में विसर्जित कर अपने गमले में या पानी डालकर हमेशा अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थात क्या है कि अगर आप घर में ही विसर्जन करने के लिए सोच रहे हैं, आपके घर से नदी तालाब काफ़ी दूर है और अगर आप सोच रहे हैं कि घर में ही विसर्जन करें तो आप एक टब ले लीजिएगा या एक बाल्टीन ले लीजिएगा, उसमें पानी डालकर उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर और उसके बाद गणपति महाराज जी को धीरे धीरे करके पहले विसर्जन कर लेना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो आप पानी भर के रखेंगे उस पानी के अंदर आप विसर्जन कर सकते हैं और विसर्जन होने में काफ़ी समय लग सकता है, एक दो दिन का समय लग सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों अब हम जानेंगे जब हम गणेश भगवान का विसर्जन करते हैं तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में जानते हैं। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कि भगवान श्री गणेश के विसर्जन से हमें ये सीख मिलती है कि मिट्टी से जन्मे शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से ही बनती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी को मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। मिट्टी प्रकृति की देन है, लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में ही मिल जाती है। मतलब ये है कि जो लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। गणेश जी कहते हैं कि हमें मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। विसर्जन हमें यह सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं से इंसान को मोह नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे एक दिन छोड़ना ही होगा। गणेश जी घर में आते हैं, उनकी पूजा होती है और उसके बाद मोह माया बिखेर कर वो हमसे विदा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन में भी यही है, इसे एक दिन छोड़कर जाना होगा, इसलिए इसके मोह माया में हमें नहीं फंसना चाहिए और भगवान की गुणगान गाते रहना चाहिए। श्याम भक्तों पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 28 सितंबर के दिन ही पड़ रही है और इसका समापन 28 सितंबर 2023 की शाम 6:49 पर हो जाएगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 28 सितंबर के दिन सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक का होगा। तो आप इस समय में भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान का विसर्जन कर सकते हैं और गणेश जी की जो बातें बताई गई हैं ऊपर उन नियमों को ध्यान में रखते हुए गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा हर साल हमारे घर में आते हैं और हमारे जो विपत्ताएं हैं, संकट है, उस सबको अपने साथ लेकर जाते हैं और हमारे घर को फिर से खुशियों से भर देते हैं। इसलिए गणेश जी से हमें सीख लेनी चाहिए और गणपति महाराज की इसी प्रकार से आप आराधना करें, पूजा करते रहें। जो कोई अगर इस दिन व्रत रखना चाहता है, इस दिन अनंत चतुर्दशी है और जो व्रत रखना चाहते हैं वो अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में इस दिन व्रत भी रखते हैं। जो व्रत होता है सुबह से शुरू हो जाता है और इसका जो पारण होता है वो पारण आप संध्या के समय नहीं तो अगले दिन सुबह भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आप पूरे दिन व्रत में फलाहार वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाय वगैरह इत्यादि जूस वगैरह का ग्रहण कर सकते हैं। इन बातों को विशेष ध्यान रखें और भगवान के गुणगान गाते रहें। और ये दिन जो होता है अति शुभ दिन होता है। अनंत चतुर्दशी जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी होता है। तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखें और इस दिन भगवान को समर्पित करें और भगवान की आराधना करते रहें। आपके सभी दुख कष्ट भगवान दूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।